तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ यश कंडारी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे ये गाँव है पटोटिया गाँव, जो कि नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है। और देखो, हम आए थे धुमाकोट से बस में ट्रेवल करके और उतरे थे डोलिया खाल जगह में। तो डोलिया खाल से हमारे पैदल डोलिया खाल कहीं इस साइड को है देखो, तो वहाँ से हम पैदल आए थे यहाँ कहीं से। और ये रहा देखो गांव। तो अभी ऐसे जाने वाले गांव की तरफ। तो दोस्तों देखो, गांव के ठीक ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखो गाँव के ऊपर ये सड़क भी है जो कि डोलिया खाल जगह से आ रही है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी जो है डोलिया खाल से और पटोटिया गांव तक होगी। तो देखो, गांव के बीच में मैं खड़ा हूं और उधर पे ही देखो प्राइमरी स्कूल है गांव का, और उधर वहां जो टॉप दिख रहा है वहां पे जो है यहां का डिग्री कॉलेज है जो कि पटोटिया डांड के नाम से फेमस है यहां पे। और इस साइड की बात करूँ तो इधर कहीं नए डांड पड़ता है। देखो, जैसे गाँव में आगे पहुँचे तो यहाँ पे देखो एक बूढ़ी बैठी है। तो बूढ़ी नमस्ते। नमस्ते, ठीक ठाक बूढ़ी? हाँ, तुम ठीक छो? हाँ जी, क्या नाम आप? लीला। अच्छा, लीला देवी। तो आप अकेले ही छो घर में? बुढ़िया जी से हमारा शेरी। अच्छा, तो भाई की लड़का लड़की बुआरी आप घास ले खाने से? बुआरी बैठो ना बुआरी। अच्छा, तो घास पे जामे हो? बुआरी में काम करा हूं आप फर्स्ट क्लास से। बुआरी में काम? बुआरी तो कर दे काम, दे सासुर कर काम। अच्छा, इन्हें बुआरी कर दो सीधे, हमारी ने तो नहीं कर दो। तुम्हारी ने किला की जा रही तो बोली इनको ले बुआरी। अच्छा अच्छा, जा हम कल आता बने रे लहा साहब। हम कर घास लखड़ो गोर बसुरा हमार बसा करनी छे। हां, तो बुआरी कौन खाना तो बनाए? बुआरी आप ही खाना भी बना ला, आप ही काम भी कर ला। अच्छा, अब क्या काम थे? गोर गाने और घर घास ले आना बस आप वाला बुना नाश्ता पानी करो ला नान धोना बस हो गया नान धोन भी बहुत ज्यादा नाज मखो। हां हां हां, आज ये अपन बहुत याद ब्याज जरा बांदरा ला गुणिया ला हकारा ला। बताओ, खेती पाती का होने का? पाती नहीं हूं मैं, पूछो ना। मर चुके रनी पुत्री? बुजरे पर पानी नहीं तो क्या करें, मर चुके। कोई ना, बरसात आ ली अभी? आल तो तब लोग ला नहीं, आल तो अभी जरा। अच्छा, मुंगेर भी ना है? मुंगेर ना, मर्च ना। आज मक्का की मक्का मंडा नहीं बुझ रहा, कल जुआ लोग खूब चाहिए गाँव, मतलब कदर चाहिए गाँव में लोग बहुत ही लोग बड़ो गाँव छा मरते। तो देखो, जन गाँव में आगने को तो देखो ये पूरा घर में जो से ताला लड़कियाँ छी, तो जग जे वाला ये लोग भी बाहर चल गई कहीं ना कहीं जो से ये गाँव भी प्लाइनक मार झेलना से। तो देखो भारे यहाँ पर मकान ये हालत हुई चापा मकान। तो देखो, पटोटे गांव पहुंच गए 11 बजे के आसपास। तो एक बात जो से खाना मुलिया की खाई, जो हमारा रिश्ता निकल गया, जो हमारा मम्मी सास छी वो यही गांव का छी, तो की घर जो हमारे खाना खाई। तो एक बात, अब हम जो गांव घूमना छो कि हम देखो एक ताऊ जी बैठे अच्छे पूरे छज्जा में। तो ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी, क्या नाम ताऊ जी आपका? मेरा नाम जगत सिंह जी। अच्छा, जगत सिंह जी, जी ने बताओ कि जो पटोटे गाँव छ जी, ये टोटल कदा परिवार छी पहले? ये मैं अब तक कुछ बाबू पलायन हुई है। अच्छा, लेकिन पहले संख्या करीब करीब 500 500 परिवार? हाँ। अच्छा, नहीं ये नंबर लगभग इन कैरे छ। अच्छा अच्छा, तभी कदम हाल फिलहाल में? अब तो इन मारा जी, अब तो वोट बैंक जेण में 400 खरीब तक बिछे छे। अच्छा, वोट बैंक 400 300 तो वाले आज भी। अच्छा अच्छा, तो कदा जाति का लोग वाले गाँव में? ये मैं करीबन करीबन भंड जाति हो छी। यहाँ पर एक मेरा प्राइमरी वाला मास्टर साहब जोशी जी। अच्छा, वो बोलते थे, हम उनके जमान में पढ़ते थे जब, कि पटोटिया ये आदर्श गांव है। हाँ जी, और ये 1952 से आदर्श गांव का दर्जा मिला हुआ है इस गांव को। अच्छा, ये अब नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये दर्जा ये लागू जो अभी जो बड़ी वाली थे निजोन में। अच्छा, पर ये था ही। हाँ, ये दर्जा पहली बड़ी मिली हुई। अच्छा, जो फर्स्ट पंचवर्ष हुआ हमारा 1952-54। अच्छा, उससे ये आदर्श अटल तो अब है, पर आदर्श विराम पहले बढ़ चुके। अच्छा अच्छा, नैनडान ब्लॉक में। हाँ जी, पटोटिया आदर्श विराम सभा पहले से। बिल्कुल, तो आप इन बताओ कि आपका उम्र कदा वाला? मेरी उम्र 86 वर्ष। 86 वर्ष है ना जी। तो 86 वर्ष में जो मतलब आज तक आप बदलाव दिया? बदलाव तो मैं बहुत कुछ देख जो। अच्छा, आपके टाइम पर क्या खून चाहिए और आप कदा बदल गए? मैं जान दो भी मेरा हा खुशहाल छ जी छ पड़दा। अच्छा,
और जब वह चाहे कि सर्म खर्म खर्म खाना हो आओ हाँ, सर्वदान अच्छा जो मौसा नहीं आएगा उसको 2 रुपये जुर्माना पड़ेगा। अच्छा तो हमारी बहू बेटियां या हम ये मेरे पिताजी हाँ, या मेरे ताऊ जी या मेरे चाचा जी या मेरे भाई भतीजे उदाल फड़ा लगा के ये जो रोड फटे रखे ये सामने हमने वो सर्मकार में बनाया वो पड़ता। अच्छा ये डोलिया खाल से ही आए अभी आप सीधा सीधा हाँ, आप तो गाड़ी से आए लगभग 6 से 7 किलोमीटर वाले हैं। हाँ ना 3 किलोमीटर यहाँ से डोलिया खाल डोलिया खाल से नंडाना 3 और 3 और 2 मोड़ 3 अच्छा बराबर। अच्छा अच्छा इन्हीं पटोटिया जो है नंडाना 2 मोड़ का फेस में 3 किलोमीटर पटोटिया से धुमाखोड़ और धुमाखोड़ से किलोमीटर वो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क चलती थी पहले। अच्छा तो खंडारी जी मैंने तो बहुत कुछ बदलाव देख दिया। अच्छा तो खेती बाड़ी में बदलाव दिया मतलब खेती बाड़ी में तो जब म्यार तेल पूर्ण छा अच्छा और वही में बांदर आ रही छा और मेल फूड ऑल बाल खान दो भी फूड में। अच्छा यही तो बोला दिया हमने और तब यही दिन इन मिल बोल दिया ही छोड़ दे मतलब वो यही दिन मिली नहीं बोल दिया ही जन बहुत रूप बैल लगी हाँ तो मिल बाल बाया बरा बरा फूड मुझे बोल दियो। अच्छा तो इन विचेरियाल पर तब भी वो हम थे ही चैना सांस ले लेने में बिल्कुल बांध रहे हाँ स्वर ज्यादा और स्वर बिल्कुल अब स्वर दर रहे थी जानवर। हमने तो ये धान की खेती भी स्वर से छपर बनाया वो जो हाँ। हमने तो इधर देखा बूंगी पट्टी में मेरा मम्मू वहाँ जो है तो खदरा से भी मैं वार्ड में रह रहा पर वो ये हमें पटूटे में भी दे दिया वो चीज आदत वो है वार्ड में उठा लखा दिन छे धर धर में हमारे फिर इंसान की खेती का दूर तक होना तो जो जानवर आंदा भी जंगली जानवर तो गांव से दूर ही रह जाए अब क्या हो गया कि गांव की आसपास खेती ये समझो जब मेरी ये भाई की जोट इस धार में थी ये कि उस धार में बिल्कुल बिल्कुल तो जानवर खुशबू अड़ गया दिन बिल्कुल 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 अब वो सब प्लान भैया वो अमल छोड़ आलो बिल्कुल बिल्कुल अब जानवर दान भाई तो इन बताओ सब से ये क्या लगा दाम क्या बना ये स्वर तो तब से है। अच्छा स्वरों ने ज्यादा नुकसान किया स्वर ने ज्यादा नुकसान किया बंदर हिरन ये तोते तो बंदर हमें पर जब से स्वर आए नुकसान ज्यादा हुआ मुदिल मौत और चौं दिया ने और मेज में हेलबांट हो गया। हां तो देखो ये को मां बॉडी भी रोटी खाने से तो हां बॉडी नमस्ते अरे बुआ सासू बोली अच्छा चलो रोटी खाने से भाई हमार सासू कौन कदा उम्र चापक 7 और 75 हुए थे जी। अच्छा तो रोटी चबा देना सब दांत से क्या बोलते हैं नका नहीं दिखे ना अच्छा ये खाली दिखे ना कच्ची हाथी ये जी खाली अच्छा दिखे ना कच्ची तार बस। अच्छा अच्छा तो क्या करना सो आजकल काम काज घर पर कुछ ना खेती बाड़ी करी कुछ ना मर्च नहीं लगा मर्च सूजी खेत बाड़ी क्या करो ना ये देखो हाँ के लिए सब कुछ बरखा की भरोसे पर है नहीं कमाए थे तो 10-10 बोरे धान हमारा हुई हाँ, है और मंडो 2-3 बोरे मंडो 2-3 बोरे धुंगर। अच्छा तो यहाँ धान भी होने चाहिए चलो तो ये खड़ा हाँ 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 तो सामने बैठे जी तो नमस्ते जी। नमस्ते जी आपका नाम चंद्र सिंह नेगी। अच्छा तो आप कहाँ बैठे छो धुमाकोट 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 था। अच्छा अब तो हमारे यहाँ भी हो गया यहाँ हमारे गांव में। अच्छा
ये गांव में इंटर कॉलेज क्या डिग्री कॉलेज भी है। डिग्री कॉलेज तो मत ही चुनो। हाँ तो वही है। अच्छा। ये प्राइमरी यहाँ पे फिर ऊपर जूनियर और हाई स्कूल वहाँ इंटर वहाँ है। अच्छा, इधर है थोड़ा ही वो दिखाए जरा। दीदी भी हमारे समझ आ गया बैठना खाना तो दीदी ली चु फर्स्ट क्लास चाहिए तो मैं तो चेक आनंद लेंगे दगड़ मत दीदी दगड़ गप भी मत दो। दीदी आपका नाम? मेरा नाम महेश्वरी। अच्छा, मैथ का हिसाब पहले बताओ। मौसम एक किस्म से ही नहीं हो रहा सवा साल तक ज्यादा गर्मी भी नहीं। पिछले हफ्ता बड़े काफी गर्म हो गया। हम तो भी एक हफ्ता हो गया ना तो हर बार आने लगे रहते। नाटक देख हम बोलते हैं हमारी ने करनी पड़ा। प्रीतिका आपका ये नीलम बिस्ट ये महक पटवाल तो तब हम उधर के कम देखते हैं। हमारा ब्लॉग तब बहुत बढ़िया लगती है। हम पिछले छह महीने बड़े बढ़ाना छो लेकिन कोशिश कर दो हम भी कि जो बहर जयासी लोग जो चाहे गाँव से हमें जोड़ ला। पर पहले मैं आपका ब्लॉग देख रहा था कि ढूंढ रहा था कि आजकल बहुत अच्छा बीजन थोड़ा बाघ डायल की वेर चा। हां तो दिन बात सुनकर तीन एक न्यूज़ में एक माहौल तो सेशन नहीं अपन तो नहीं रहा उन बाघ को कर देते खाणी में वाला लगाओ उनका ब्लॉग। अच्छा, अब मैं ढूंढ भी आप बोल रहा हूं ना जैसे उसने रिमोट में तो वो साला कुछ का कोई ना मिला। अब ये फोन से सब्सक्राइब करया ना हमें आप तो बताया तो हम ढूंढ लिया है ना। हम तो जन हम देखन लगे रंदर ना तो जो हमारी गड़ल भी कहंदी। अच्छा, तो वो भी बोल दे हमल भी बस ही लगाने की जो हम भी देख। हां तो मतलब ज्यादा ज्यादा आप फैला दे तो भाई है ना जन कोई आन दस या आस पास में ना ना देख दे चोर बोल बता दे बिचो कि देखो हमर गड़ा मीन से वो से हमारी नहीं ये चलो जी धन्यवाद। मैं और ताऊ जी जो गांव की एक छत मांगी होती है जो आसपास का गांव दिखें दी ताऊ जी बता लगी आसपास पास को गांव है ना तो ताऊ जी ने बताओ जो सबसे पहले वो गांव दिखे वक है क्या जो ये रिंगल्टी। अच्छा, रिंगल्टी जो मती डैम दिखेणु वो भी रिंगल्टी का ही है। अच्छा, गांव था अब लोग वहाँ चले गए रोड पे। अच्छा, रोड पे उनकी जमीन है। हाँ हाँ, ये बाड़ियों है यहाँ पे। अच्छा, एक फलशाली दिखे जो पेड़ है ना। हाँ हाँ, एक दो मकान इधर। अच्छा, ये बाड़ियों। हाँ हाँ, ये हमारी प्राइमरी स्कूल। अच्छा, पटोटिया के ना। हाँ हाँ, और ऊपर वो देखो इंटर कॉलेज है। ये बिल्डिंग दिखाई दे रही डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज है ये भी हमारे गाँव का है पटोटिया। ये इधर चलो, ये सामने गांव गणी आठ इधर। अच्छा, वो सामने अदोड़ा। अदोड़ा और ये उसके पल्ले तरफ ऊपर जो चमक रहा हो क्या चुने डाना है। नैनाना सबसे ऊपर। हाँ। नीचे थोड़े एक दो मकान वो जोगेड़ा है। जोगेड़ा मल्ला। हाँ हाँ, उसी के नीचे तल्ला है। बिल्कुल। और इस समय क्या फिर इस समय बड़ा था। अच्छा, बड़े थे। देखो पटोटे गाँव की बात करो तो देखो का बड़ गाँव एक बता कि टोटल जो कदा परिवार 250-300 परिवार वाला का बड़ो गांव छो। देखो मकान भी लगभग आसपास में ना चिपिया जन शहर उम्र। हाँ, मतलब जगह की कमी है। जगह कमी से पेड़ सेम्बल का पेड़ है करीब 100-125 साल पुराना। अच्छा, देखो इडोल ताऊ जी बताने से बोल 100 साल पुराना से बोल ऊपर ही है। अच्छा, तो मतलब जो पिछला 2-3 पीढ़ी रहा वो टाइम डाल जो अमल करीब करीब इंतजार के दाव मतलब। अच्छा अच्छा, का बहुत जी अब टूटिंग थोड़ा। हाँ हाँ, बूढ़ा पहाड़ बस के बाद बूढ़ा ये खेत ची पूरा देखो बंजर। हाँ, देखो एक ताई जी मूड जरा अपना कपड़ा भी धोना सी। पानी कमी इतनी सी गम पानी भी कमी छे मतलब ज्यादा कम नहीं पर आम अगर टूट जाए ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, पानी तो थोड़ा है अभी। अच्छा, पानी जो वहाँ था पूरा पुराना तो वहाँ पर नलू द्वारा ऊपर था। अच्छा, पानी स्रोत एक टैक्स है ना। आ, अगर मतलब नलू बन निकाल तो अभी जान तो वहाँ पे ना नदी जो पूरी। हाँ हाँ, तो देखो जन गांव में आगने को तो दीदी जान से गुइल का नखंड लगो क्या ना ब्लू गोड़ा गल्ला गुइल का ला जान यादी ला। अच्छा, तो दगड़म के लिए जान सो थर्मासन थर्मासन बोलो छे तो कोई गोड़ छी के कहन ले जानो बूढ़े जी जे हमारे बकरू में। अच्छा, बूढ़े जी बकरू में भेज दिया पल है तो आप खुद नहीं जान कला बकरू जी नहीं जान सके का कला बकरा दरिया पल बकरा ची बोलो बैठ के जीवन। अच्छा चलो, और तो और कुरंदी दगड़ में कोई ना बुआर से बुआर में से दुई नाना ची बोलो यकुनी रेनी यकुन दी रंदी यार हो
सब फॉरेस्ट खेत से अच्छा एक मूड का ही है हाँ फॉरेस्ट हफ्सा में हाँ हाँ देश में ही हाँ वही नाच लूटा पाख अच्छा लूटा पाख चाहे वो खेती पर पाख हुई बद मैं अब ठोबा जमान बड़ी वही हम लूटा पाख बोल अच्छा अच्छा नाम जो है हाँ हाँ अब मेरी चजनी के छी दुई हाथ टूटा हाँ दुई छोटा टूटा अच्छा और दुई मुंड भी फूटे हाँ फोन रिहोड अब रिहोड चाहिए चल बुढ़ी जहाज साखू जमला लूठा पाख तो वो पाखा हूं बाल अरे मेरी बुढ़ी क्या छोटा जब चसद अच्छी ये बुढ़िया हंस के आने लूठा पाख मेरी छोटी दुखी दी बुढ़िया लूठा पाख तब मिल बाल गुर बचेरी उछली जोला न चल चल बुढ़ा लूठा पाख गुर बचेरी उछली जोला लूठा पाख मेरे बहुत वही की मिला बुरी संस्कृति से जीव तेरा ही अरे वही की ये बाल मिले यार तुम दखन फिर जो ये की कई विभाग मचाई मैं ये ही छोड़ी कृषि विभाग बोल दो अरे ये बैठे मिला बुर शिक्षा दिशा भी नहीं आई उन्नीस सौ पलायन रोग रन में वो मिल पलायन रोग रही मेरा बच्चा बोल में चलो अरे मेरा बच्चा बोल में की चलो मैंने हाँ मेरे लिए ये बना दो पहले भी था यहाँ पर दूसरी नमूने का अच्छा उन्होंने ये बना देखो ताऊ जी का फर्स्ट क्लास मकान बने चुका बच्चों लोग जैसे हमारे हैं तुम हमसे बड़ी अमीर हो हाँ तो घर में आप उन पुरुष मीन बोलूं कि मेरी अस्थि यहीं से जाएगी बिल्कुल देहरादून से ना पिलो मदार से अभी इसे ज्यादा मिल के बोलो चलो जी धन्यवाद है देखो ताऊ जी घुमाने से हम तो पूरे गाँव में हाँ वही तो गली गली बने से देखो कक्ष तिवरी हाँ ये देखो हमारे पुराने धरोहर तिवरी क्या डिजाइन हाँ कारीगरी कारीगरी देखो ये 100 साल पुराने से भी ज्यादा है अच्छा देखो ये तिवरी डिजाइन देखो कहता फर्स्ट क्लास चेक है और लकड़ी भी जो काफी मजबूत से देखो अभी तक बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही अच्छा तू नहीं पाले गांव मगने को तो बूढ़ी हम बुढ़ाने से क्यों हाँ बूढ़ी नमस्ते नमस्ते के बाद आपकी बार क्यों ठीक हुई तुम्हारा शायद है आ, अच्छा कदा क्विंटल क्यों कमी आपकी बार क्यों तो बोलो कमा ली हम अच्छा तो कब बढ़ेगी कंट्रोल लग अच्छी क्या अच्छा तो खेती होनी में है कई दिन बात कर नहीं होता कई दिन याद नहीं आना नहीं रावला पर खेती का क्यों है अच्छा लेकिन तो साफ रहने साहु क्यों है अभी इंतकाल कबाड़ा होने देखे कम से कम 2 किलो तो क्यों में कबाड़ी आई है तो देख चल गया फोन अच्छा और कहे खड़ी हूँ अब मेरा रात दिन बढ़ाने जा रहा है दिन भी आना हाँ चलो तीम तिवरी माँ जो गाँव का महिला शक्ति इकट्ठा हुई से तो चलो जी सबको पहले नमस्कार नमस्कार हाँ जी तो चलो शुरू करो सबसे पहले जो गणेश भगवान जी तो याद कर दो बोलो दैन भैया चलो जी धन्यवाद अब आओ थोड़े गीत शुरू कर दो है ना Jai Maria, 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 Jai Maria,
जन गांव मांगने गो थी एक दीदी हम तो और मिल गई। तो दीदी नमस्ते। नमस्ते भाजी। क्या नाम आपके? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा नेगी। आप कोई पुराण गीत सुनाना? हाँ चलो तो शुरू करो। जादी म्यारा बीरू बेटा लड़ाई मजादी भारत की सेवा बेटा कैरी कियादी लगू छू लड़े मामा जी सेवा मान मेरी मी जखी बीरू लू माँ जी आशीर्वाद तेरी आशीर्वाद तेरी जामी जाली दे बेटा जामी जाली दे दुश्मनु थे मारी बेटा जीती किए लागू छू लड़े मामा जी सेवा मान मेरी मी जखी बिरूलू माँ जी आशीर्वाद तेरी लागू छू लड़े मामा जी सेवा मान मेरी मी जखी बिरूलू माँ जी आशीर्वाद तेरी गोली तारी गदनी तारी कुरोली तरूलू गड़ी वाली जन में म्यारो के देसी मरूलू कभी क्या होना चाहिए फौजी भाई डूट पर जाना चाहिए तो फोन एक जमान से नहीं चाहिए लेकिन माँ का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए है ना। और क्या होना चाहिए चिट्ठी पत्री होना चाहिए तो अब चिट्ठी पत्री हर चीज है। तो देखो गांव में जन इन्हें बड़े देखो आगे हो तो एक भाई साहब एक मकान बना रही। तो हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को। हाँ तो ठीक ठाक भाई साहब। हाँ जी तो आप ये मकान बनाना छो तो कन चलने से आपका मकान काम बहुत बढ़िया चल रहा भाई साहब। अच्छा और ये हम एक किस्त भी मिल गया हम तो 60,000 रुपए। अच्छा। लेकिन जो दूसरी किस्त है वो बहुत लेट कर में होता है। अच्छा तो कब बढ़नी है किस्त? ये 4-5 महीने होगी भाजी। ये तो आप प्रधान कम्प्लेन नहीं डाले हमने सब तो बताया ले, नैनान ब्लॉक में हम लगातार फोन करने लगे रहे। हाँ। लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं करमा। बरसात का टाइम आ गई मकान। हाँ। तैयार से लेंटर रखना। बिल्कुल बिल्कुल अगर लेंटर ये बरसात से पहले पहले नहीं पड़ती हो पूरी दीवार जो गिर सके। बिल्कुल जो ज्यादा आप मेहनत करे जो पूरा खत्म हो जाना। मैं गरीब परिवार से मेरे 5 बच्चे थी मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लेबर आदमी छू मैं कमाना साधन भी कुछ नहीं छू। बिल्कुल अब जो सरकार पैसा दे रही थोड़ा भगत पर दे दिया तो मैं यार भी लेंटर खोल डाल। मोदी जी जब ईदगाह करनी मैं हम करना है तो थोड़ा सहयोग करो और हम तो जल्द से जल्द देना कोशिश करो। बिल्कुल हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल अजू भी मकान दिया। बिल्कुल बिल्कुल अजू भी एक जिम्मेदार लोग छी कम से कम भाई एक ऊपर कार्रवाई तो करो यार। अगर किस्त रुकिया भी छी तो आप लोग फर्ज बनत वो किस्त तो आप उम्मीद छ की मतलब जल्द से जल्द आप एक ऊपर काम कला कर ये वीडियो तो देखना छो तो और क्या बोलना चलो भाई साहब बहुत धन्यवाद मेरे सभी गढ़वाल भाइयों खुण। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी जी खुण विशेषकर धन्यवाद जो हम तई बोलते हैं कि पलायन मत करो हम तो पलायन नहीं कर रहे हमारी पूरी फैमिली यही है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमें जरा सर टकाने के लिए जगह तो दे दो टाइम पे बरसात का टाइम आ रहा है ये बना के रेडी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग खुद ही देख लो। बिल्कुल चलिए जी हाँ धन्यवाद धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों देखो पटोटिया गांव से निकल चुके हैं तो इधर ठीक मेरे पीछे ये रहा पटोटिया गांव। तो अभी जो है हम यहां से होते हुए जाएंगे और उस साइड कहीं रणगांव है तो रणगांव से जाएंगे टंडोली होते हुए और भवन की तरफ। तो कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।